आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा कार्यालय पर शनिवार को उत्तर प्रदेशीय प्रादेशिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो ये धरना अनवरत जारी रहेगा। फिलहाल इसको सोमवार को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान जिला प्रशासन से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी व बीएसए कार्यालय पर तानाशाही व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 10,000 प्राथमिक शिक्षकों ने चुनाव ड्यूटी की थी। करीब 400 शिक्षक किसी मजबूरी के चलते या किसी अन्य कारण से ड्यूटी नहीं कर सके थे, जिनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की गई और वेतन रोकने की कार्रवाई की गई। ये जिला प्रशासन की हठधर्मिता है और प्राथमिक शिक्षकों को बंधुआ मजदूर समझा जा रहा है। जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षकों को विद्यालयों में पढ़ने के लिए तमाम टारगेट और दबाव दिए जाते हैं, वही चुनाव ड्यूटी गांव में जनगणना से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं व माध्यमिक परीक्षाओं में भी ड्यूटी लगा दी जाती है। इसके अलावा भी अन्य कार्य दिए जाते हैं। शिक्षक हमेशा कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव ड्यूटी के नाम पर शिक्षकों के वेतन रोकने की कार्रवाई की जा रही है, यह असहनीय है और शिक्षक इसको लेकर चुप नहीं बैठेगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कई खंड शिक्षा अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तमाम तरीके से उत्पीड़न और धन उगाही कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा कार्यालय भी भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। पिछले 1.5 वर्षों से तो स्थिति बहुत ही खराब है। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो शिक्षक भी पीछे हटने वाला नहीं है और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष जारी रखेगा, जब तक उसकी मांगें नहीं मानी जाएंगी। सुनते हैं सुरेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा। सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष। आज यह उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पे यह शिक्षकों का धरना इसलिए दे रहा है कि हमारे 10,000 शिक्षक चुनाव ड्यूटी गर्मी में शासन के आदेश को मानते हुए, चुनाव आयोग के आदेश को मानते हुए किए, बखूबी निभाए। 250-250 शिक्षक ऐसे हैं जो पद पत्नी वाले थे, अथवा बीमार हो गए, अथवा किसी कारण से ड्यूटी नहीं किए, लेकिन उनकी जगह पे हमारे शिक्षक रिजर्व में भी लगाए गए थे, ड्यूटी किए। हमने चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया और चुनाव की ड्यूटी आजमगढ़ में अच्छी तरह से संपन्न हुई, कहीं कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन बधुआ मजदूर समझ के हमारे जो शिक्षक अनुपस्थित थे उनका वेतन रोक दिया गया। 435 शिक्षकों का वेतन की वो जो है चुनाव ड्यूटी नहीं की, रोका गया, जिसमें रिजर्व वाले भी हैं, पद पत्नी वाले भी हैं और जो ड्यूटी किए वो भी। मेरा यह कहना है 10,000 शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं, अगर 200-300 ड्यूटी नहीं करते हैं तो अब तक मैंने आजमगढ़ में, आज 35 साल की नौकरी हो गई, मैंने नहीं देखा कि वेतन रोक दिया जाए अथवा शिक्षक को निलंबित कर दिया जाए। लेकिन अब यह स्थिति हो गई है कि हमसे पढ़ाई के साथ साथ चुनाव ड्यूटी कराइए, गांव में जाके हमको गणना कराइए और उसके बाद हमको पुलिस की भी ड्यूटी कराइए, परीक्षा भी ड्यूटी कराइए, माध्यमिक की भी परीक्षा की ड्यूटी कराइए। अगर कहीं हमारा विद्यालय गड़बड़ हो गया है तो हमारे अध्यापक सस्पेंड, फिर उनका शोषण हो रहा है इस कार्यालय में सस्पेंड करने के नाम से, वेतन लगाने के नाम पे भी स्थिति बदल गई है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया हमारा बीएसए कार्यालय। यह मुझे कोई कहने में अत्युक्ति नहीं है। वर्तमान समय में 1.5-2 साल से और जहां 100-100 शिक्षकों का, 250-250 300-400 शिक्षकों का वेतन पहले ही रुका था, 400 शिक्षक का और वेतन रोक देना, हमारे पास सिर्फ वेतन है और वेतन अगर नहीं मिलेगा तो हमारी पारिवारिक जीवन की दिनचर्या जो है वो बदल जाएगी। इसलिए हमने संगठन ने निर्णय लिया हम लोगों ने कि बीएसए कार्यालय पे हम धरना देंगे और बीएसए से हम मांग करते हैं और जिला प्रशासन से कि हमारे शिक्षकों का वेतन जो है बीएसए रोकें, उसको बहाल कर दें, नहीं तो मेरा धरना अनवरत जारी रहेगा। दूसरी मांग यह है कि हमारे ये खंड शिक्षा अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि विद्यालय में जो पैसा जा रहा है उसके नाम पे भी दो एक शिक्षा अधिकारी, जैसे एक नाम आपको अभी जल्दी आया होगा मीडिया में, कल्पना, डॉक्टर कल्पना, वो भी दबा के पैसा, शिक्षकों से हमको पैसा चाहिए, अगर शिक्षक कह दे हम पैसा चाहिए तो उनको प्रताड़ित, उनको तुरंत सस्पेंड करने का आदेश लिख देना या वेतन रोक देना, उनकी भी नियत बन गई है। तो
हमारा दो काम तो यह बहुत जमीनी समय है कि शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए हमने बीएसए को कई पत्र लिखा कि देखिए खंड शिक्षा अधिकारी जो हैरानी सराज जहानागंज ये कर रही है, लेकिन उनके द्वारा स्पष्टीकरण तक नहीं लिया गया, कार्रवाई तो उनके ऊपर दूर की है। तो अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई बीएसए नहीं करते हैं, क्योंकि हमने उनके भ्रष्टाचार का उदाहरण भी पेश कर दिया और ये अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यह भी उनके साथ संलिप्त है इसलिए उनको बचा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी अब लड़ाई बीएसए से है, हम प्रशासन से भी लड़ रहे हैं। हमारी जनवरी लड़ाई है, हमारे साथ हमारी सुविधा के साथ खलवाड़ न किया जाए, हमारा पहले वेतन बहाल किया जाए और जो भ्रष्ट खंड शिक्षा अधिकारी है उनके साथ कार्रवाई की जाए। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों का सहयोग करें।